इनकी 30 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। चलिए आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट लोड्स इंडियाज रोल एट यूएन। तो लोड्स का मतलब क्या होता है? प्रेस करना, कि इंडिया का जो रोल है यूएन में, तो उसके लिए यूएनजी के असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया की तारीफ करी है। तो यूएन है कि आपको पता ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1945 में फाउंड आउट किया था, जिसका काम यह कि वर्ल्ड की पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और इंडिया का फाउंडिंग मेंबर था। इसकी जो मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है यूएन को, वो यूएन जनरल असेंबली होता है, और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी कंट्रीज मिलके क्या करते हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं कि इंडिया यूएन का क्या क्या रिलेशन है। सबसे पहले जो काम है, फाइट अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन एंड अपार्थाइड। ठीक है, मतलब जैसे प्रीवियस पॉलिसीज थी जिसमें जो यूनाइटेड किंगडम है या फिर जो फ्रांस था, वो क्या करता था, हर दूसरी कंट्री पे अपना कब्जा जमा लेता था और उसको अपनी कॉलोनी बना लेता था। ठीक है, तो इससे अगेंस्ट लड़ते हैं। अपार्थाइड का मतलब क्या है, कि कहीं पर रेसिज्म ना हो रहा हो, तो उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लड़ते हैं। ठीक है, तो इंडिया का को स्पॉन्सर था ऑफ डिक्लेरेशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल। मतलब कि वो भी कंट्रीज जो किसी की कॉलोनी है तो उनको इंडिपेंडेंस दिलवाने के हकदार हैं। इसके अलावा इंडिया पहली कंट्री थी जिन्होंने अपार्थाइड का इशू उठाया था यूएन में और लीड रोल प्ले किया था कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, यूएनजीए के अंदर अपार्थाइड से रिलेटेड सब कमेटी को बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने साइन किया था कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट है पीस कीपिंग में। आपको पता है कि इंडिया ने अपनी जो भी फोर्सेज हैं उसका मोर देन क्वार्टर ट्रूप्स को मतलब कि लगाया हुआ है 49 यूएन पीस कीपिंग मिशंस में। रिसेंटली इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन्स भी प्रोवाइड करी हैं अंडर दिस मिशन, और इंडिया पहली कंट्री है जो ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट डिप्लॉय करती है टू यूएन पीस कीपिंग मिशन लिबेरिया में। ठीक है, डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ किया है, तो इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द सेटिंग अप ऑफ द यूएन कॉरपोरेशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन 1964। इंडिया ने एम्फोसाइज किया था कि कितना ज़्यादा रोल है कि सो दैट हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके टू डेवलपिंग कंट्रीज। इसके अलावा इंडिया ने और भी इश्यूज रेज की गई थी कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और ज़्यादा हमें इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रेफरली हमें उनको रोल देना चाहिए या फिर उनको ज़्यादा हमें कंसिडर करना चाहिए ट्रेड, सो दैट हम उस पर्टिकुलर कंट्री का ट्रेड बढ़ाएं, वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेलरेट करें, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं भी पीछे हैं। फाइन, नेक्स्ट टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट। इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था टू पायलट अ ड्राफ्ट कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इसके अलावा इंडिया एक्टिव रोल प्ले करता है ऑन ड्राफ्टिंग द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ताकि कहीं भी किसी कंट्री में भी ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो। रिफॉर्म एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन। इंडिया ने इसके में G4 कंट्रीज कोलेबरेट किया था, दैट इज इंडिया, ब्राजील, जापान, जर्मनी एंड जापान, और L69 जो कि ग्रुप है जिसमें 81 कंट्रीज हैं फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, कि किस तरह से हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी भी जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं उनकी मोनोपोली चलती है, तो वहाँ पे हम किस तरह से और कंट्रीज़ को ऐड कर सकें, उनको एक्सपेंड कर सकें। फिर रिप्रेजेंटेशन इन यूएन बॉडीज। तो इंडिया को इलेक्ट किया गया है टू सेवरल यूएन बॉडीज, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ह्यूमन राइट काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सो दैट हम क्या कर सकें, इक्विटेबल हर एक कंट्री को हम रिप्रेजेंट कर सकें, ताकि हर एक कंट्री की वॉइस रेस हो सके। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है क्लाउड वार्स, मिड ईस्ट रिवेलरीज राइज अलोंग द न्यू फ्रंट रेनफॉल। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारा एनवायरनमेंट पे या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी। अभी ये मिडिल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे कुछ केमिकल्स एंड टेक्निक्स को डेवलप किया जा रहा है और उनमें रेस लगी हुई है, सो दैट वो क्या कर सके, उनको कुछ रेन मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राउट जैसी कंडीशन हो रही है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही है, तो वहाँ पे सबसे पहले क्लाउड्स को, आर्टिफिशियल क्लाउड्स को बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके कुछ इंट्रोडक्शन इसमें क्या करा है हमने, यूजली क्या किया है, कुछ क्लाउड्स को इंट्रोड्यूस किया है जो कि कुछ मटेरियल से, केमिकल से बनाया है। ठीक है, और ये एक तरह का अटैम्प्ट, एक तरह का वो अपने तरफ से क्या कर रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं, ताकि उस क्लाउड से पहले क्लाउड सीडिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्लाउड को बना रहे हैं तो उसके थ्रू प्रेसिपिटेशन ला सके, मतलब रेन ला के सके। क्लाउड सीडिंग मटेरियल होता है, इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सॉल्ट पार्टिकल, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड ड्राई आइस हो गया, पोटेशियम आयोडाइड प्रोपेन, इन सबको यूज़ किया गया ताकि हम वाटर वेपर पार्टिकल्स को क्लाउड के साथ मेकअप कर सके, क्योंकि क्लाउड बनेगा उसके बाद भी तो रेन आनी है ना, वो कैसे आएगा, इन केमिकल्स का यूज़ करके आएगा। इसके अलावा जो कंबाइंड पार्टिकल्स है जिसमें मतलब कि सीडिंग मटेरियल और वाटर वेपर को लिंक किया है,
ठीक है, ये कुछ बीकर हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे अंटिल दे फॉर्म ड्रॉपलेट्स विच इवेंचुअली बिकम हैवी इनफ टू फॉल एज अ रेन। फाइन, बेनिफिट्स क्या हैं इसके? तो पहले विंटर स्नोफॉल को एनहेंस कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री नेचुरल वाटर सप्लाई हम प्रोवाइड कर सकते हैं और एयर क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं। इश्यूज और चैलेंजेस क्या है? सिल्वर आयोडाइड टॉक्सिक होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए, सभी क्लाउड्स के बाद पोटेंशियल नहीं होगा कि वो रेन आएंगी आएंगे, ठीक है, क्लाउड्स तो बन जाएंगे लेकिन रेन आने की संभावना कितनी है वो कुछ नहीं बोल सकते। इसके अलावा कहीं अगर इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेन और स्नो भी प्रोड्यूस हो सकती है और क्लाउड्स भी शिफ्ट हो सकते हैं फ्रॉम अदर एरियाज, ठीक है। तो क्लाउड सिटी में क्या होता है, सबसे पहले एयरक्राफ्ट को इंजेक्ट किया जाता है, मतलब कोई भी एक एरोप्लेन होगा वो सिल्वर आयोडाइड या कुछ सब्सटेंसेस को एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट करेगा, फिर ये केमिकल्स क्या करेंगे उन पार्टिकल्स को एज अ मतलब कि कंडेंस करेंगे दैट गेट वाटर पार्ट वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। क्लाउड कैसे बनता है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को इवेपोरेट करते हैं तो उसके बाद ही बनता है, तो उस तरह से बनता है, ठीक है। एक बार कंडेंसेशन हो गया तो वाटर ड्रॉपलेट्स अपने मतलब कि रेन के रूप में आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट न्यूज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, सेंटर सिक्स मोर टाइम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू होल्ड मीटिंग विद द स्टेट्स। तो गाइस ये जो न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में करोगी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसप्लेजर शो किया था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि सेंटर ने डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड ले रहा है ऑन इशू ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदूज एट स्टेट लेवल एंड डायरेक्टेड इट टू होल्ड कंसल्टेशन विद स्टेट्स ऑन द इशू। देखो अभी आपको पता है हमारे इंडिया में 6 रिलीजन्स को माइनॉरिटीज दिया जाता है, लेकिन ये बात हुई थी कि हमें क्या करना है, स्टेट वाइज हमें माइनॉरिटीज चेक करनी है क्योंकि किसी स्टेट में हिंदूज भी माइनॉरिटी में रह रहे हैं, ठीक है। तो अभी उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप क्या करो, सेंटर को बोला है कि आप स्टेट्स के साथ कंसल्ट करो इस इशू में लेके। मार्च 2022 में सेंटर ने बोला था कि जो कंसर्न स्टेट यूनिटीज हैं उनको इस मैटर पे कॉल करना है। इसके बाद सेंटर ने बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि सेंटर के पास पावर है कि वो माइनॉरिटीज़ को नोटिफाई कर सकता है और ये जो पावर वो यूनियन गवर्नमेंट के पास है। इंडिया में क्या माइनॉरिटी स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड माइनॉरिटी को नहीं डिफाइन करता, हम हमेशा पढ़ते हैं। हाउएवर जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं उनको आर्टिकल 29 आर्टिकल 39 में 30 में डाला हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 350B के अंडर भी एक स्पेशल ऑफिसर है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। इसके अलावा सेंटर क्या करता है, नेशनल कमीशन वो माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 को यूज़ करता है और उसके अंदर हमने मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरोस्ट्रियंस को एज अ माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा जो नेशनल कमीशन वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 है वो इनेक्ट किया गया ताकि हम एजुकेशनल राइट जो माइनॉरिटीज़ के उनको सेफ गार्ड कर सके। इससे पहले क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया था कि वो माइनॉरिटीज डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं मतलब कि एंटरटेन करेगा, ठीक है। मतलब अभी तो हम स्टेट वाइज की बात करें कि आइडेंटिफाई करो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बोला था, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था और ये बोला था ये कहीं ना कहीं क्या कॉन्ट्रारी है टू प्रेसिडेंट्स इन रे करला एजुकेशनल बिल के, जिन्होंने बोला था कि ऐसी आइडेंटिफिकेशन सिर्फ स्टेट लेवल पे हो सकती है लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होगी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर केमिकल डिजास्टर्स ऑन एजेंडा। तो अभी क्या सेवरल एजेंसी जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होगी, DRDO हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो एक मैकेनिज्म बना रही है कि किस तरह से जो केमिकल रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके साथ डील कर सके। इंडिया में नियर अबाउट 3000 hazardous केमिकल प्रोड्यूस करती है फिर स्टोर करती है। अब इनको डील करने के लिए जो SOPs होगी, देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा है कि आप इनको डील करने की पूरी बुकलेट होगी, पूरा प्रोसीजर होगा, ये जो केमिकल डिजास्टर लेके जो भी SOPs होगी वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी एज पर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन और इसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है। अभी इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है कि ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने अडॉप्ट किया था 2005 में, जिसके अंदर कंट्रीज को मैंडेटरी है कि उन्हें ऐसी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है ताकि वो कोई भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी उनको डिटेक्ट कर सके और रिपोर्ट कर सके। जो केमिकल्स रिलेटेड जो डिजास्टर है उनकी जो फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी है वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि हम ज़्यादा दिन बाय दिन हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं, ठीक है, और साइज में भी बढ़ रही हैं, ज़्यादा प्लांट्स हो रहे हैं, स्टोरेज हो रहे कर रहे हैं, स्पेशली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, जैसे अब इंडिया देख लो कितना पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इशू का क्या गैप है कि सोचते हैं हम केमिकल डिजास्टर से रिलेटेड अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन की कमी है, मल्टीपल एजेंसीज जो इससे रिलेटेड काम करती हैं और उन्हीं एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा अनअवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन बनी है या कोई प्रोसीजर बना है तो उससे रिलेटेड लोगों के पास प्रोसेस ही नहीं है इंडिया में, ठीक है। लैक ऑफ रोबस्ट इन्वेंट्री ऑफ ऑल केमिकल्स यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन इंडिया। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फैक्ट्रीज हैं जो हजार्डस केमिकल डील कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। रिसेंटली का जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल फार्मास्यूटिकल्स है उन्होंने MOU साइन किया है फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से वो इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी कार्ड के साथ डील कर सके, डाटा शीट प्रोवाइड करिए कि सो दैट असेंशियल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हम प्रोवाइड कर सके उस पर्टिकुलर केमिकल की जो वो यूज़ कर रहे हैं और हेल्थ इन्फॉर्मेशन। फाइन,
इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्रोविजंस क्या हैं जो केमिकल डिजास्टर रिलेटेड डील करते हैं। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1986 में जब ओलियम गैस लीक केस हुआ था, इसके अंदर जो भी एंटरप्राइजेज हैं जो हजार्डस एक्टिविटीज में एंगेज हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करना है अगर वहाँ पर किसी भी बंदे को कुछ हो जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंट रिलीफ फंड है जो इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करते हैं विक्टिम्स को। अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर सेंटर ने ऑलरेडी इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल 1989 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज को नोटिफाई किया कर रखा है, मतलब किस तरह से आप उन हजार्डस केमिकल्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, तो उस रिलेटेड सारा प्रोसीजर सेंटर ने नोटिफाई किया हुआ है। एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैनेजमेंट रूल 2008 सो दैट हजार्डस सब्सटेंस को किस तरह से रेगुलेट कर सको। इसके अलावा NDMA की भी गाइडलाइंस रहती है उन केमिकल डिजास्टर। फाइन, नेक्स्ट है ट्राइब कैटेगराइजेशन वर्क डिले स्कीम फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द DNT सीड। ठीक है, अभी है क्या सीड एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है जिसको लॉन्च की गई थी फॉर एम्पावरिंग DNTs, NTs एंड SNTs। अभी DNTs, NTs, SNTs क्या है? DNTs वो होते हैं, इनको नोटिफाई किया जाता है बोर्न क्रिमिनल्स। ठीक है, मतलब कि वो क्रिमिनल्स ही पैदा हुए थे अंडर कॉलोनियल ईरा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 है उसको रिपील कर दिया गया था। ठीक है, और दीन कम्युनिटीज़ को डी नोटिफाई कर दिया गया था। मतलब क्या है, पहले क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर बोर्न क्रिमिनल्स को नोटिफाई किया करता था कि कौन कौन सी कम्युनिटी इसके अंदर आती है, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई, ठीक है, 1947 में, उसके बाद इस एक्ट को कैंसिल कर दिया था, रिपील कर दिया था और इन कम्युनिटीज़ को नोटिफाई डी नोटिफाई कर दिया था। फाइन, एंटी तरह एसएनटीज सोशल ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, फेयरली फ्रिक्वेंट यूजली सीजनल फिजिकल मूवमेंट करते हैं एज पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड स्ट्रेटजी एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक तरह से दूसरी तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं सीड स्कीम के, एजुकेशनल एम्पावरमेंट करनी है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इन जो कम्युनिटी इस कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सो दैट वो मेडिसिन इंजीनियरिंग MBA इन प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सके। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू प्रधानमंत्री जन धन योजना ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं सो दैट हम वो इनकम जनरेट कर सके। हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं थ्रू प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, और भी स्कीम्स हैं DNTs, SNTs एंड NTs के लिए, जैसे नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर DNT बॉयज एंड गर्ल्स, डॉक्टर अंबेडकर प्री मेट्रिक एंड पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप भी चल रही है फॉर DNTs। ठीक है, अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सीट को इम्प्लीमेंट किया गया जाएगा फ्रॉम 2021 टू 2025-26 ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, जिसके अंदर एक यूनिक ID इशू किया जाएगा हर एक एप्लीकेंट को। हाईवर इस एक्सरसाइज को डिले किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कैटेगराइज किया गया है अराउंड 1200 से रिलेटेड डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं अंडर SCs, STs एंड OBCs जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगी सीट को। फाइन, नेक्स्ट है नासा पोस्टपोन लॉन्च ऑफ द आर्मिटीज 1 मून मिशन ओवर रॉकेट इंजन स्नैग। ठीक है, नासा का जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगा, जो नासा का आर्टमिस मिशन है जिसका एम था कि मून को एक्सप्लोर करना और ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको हम किस तरह से ल्यूनर सर्फेस पर लेके जा सकते हैं एंड पॉसिबली और उसके बाद मार्स और कहाँ भी लेके जा सकते हैं। तो आर्टमिस 1 मिशन में यही था, ये अनक्रू टेस्टेड फ्लाइट थी, इसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं गया था, जबकि आर्टमिस 2 में हम एक किसी क्रू मेंबर को भेजते, जबकि लूनार लैंडिंग ओनली कब है एक्सपेक्टेड इन आर्टमिस 3। मतलब आर्टमिस मिशन के अंदर भी 3 मिशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो अनक्रूड होगा, सेकेंड में क्रूड होगा और थर्ड में लूनर की लैंडिंग लगाएगी। आर्टमिस 1 फर्स्ट फ्लाइट होने वाली थी जो कि स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट की, जिसके अंदर ओरियन स्पेसक्राफ्ट होगा, जिसको हमने कुछ डिमांड्स पूरी करी हैं, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो ह्यूमन की डिमांड्स को पूरा करती है टू डीप स्पेस। ठीक है, हाउएवर क्योंकि इंटरेस्ट है काफ़ी ज़्यादा मून में विद सेवरल कंट्रीज, काफ़ी कंट्रीज प्लान कर रही हैं लूनर मिशंस में, इसके अंदर चंद्रयान 3 है जैसे इंडिया का है, पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर है जो कोरिया का है, लूनर 35 रशिया का है प्रोग्राम और स्लिम है जापान का। रीजंस क्या है, वापस पहले लोग मार्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, अब दोबारा वापस मून में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक है, हीलियम 3 मून पे बहुत ज़्यादा है और अर्थ पे बहुत रेयर है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूल है फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अलावा फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्योंकि हमने अब ये देखना है कि लाइफ किस तरह से रिएक्ट करती है तो हार्स कंडीशन ऑफ स्पेस। इसके अलावा अर्थ की स्टडी करना चाह रही हूँ क्योंकि मून और अर्थ ऑलमोस्ट कॉमन पास शेयर करते हैं। फाइन, अब हम बढ़ते हैं छोटी छोटी न्यूज़ पे। सबसे पहले फुल कोर्ट मीटिंग, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग के लिए बुलाया है। फुल कोर्ट मीटिंग का मतलब क्या होता है, वन विच इज़ अटेंडेड बाय ऑल द जजेस ऑफ कोर्ट, मतलब कि इसमें अंदर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उन सबको अटेंड करनी है मीटिंग। इसमें कोई भी रिटर्न रूल्स नहीं है जो फुल
कोर्ट मीटिंग का डील करते हैं। हाईवर एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फुल कोर्ट मीटिंग्स को सीजीआई के द्वारा कॉल किया जाता है, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन मीटिंग्स को यूज़ किया जाता है टू अराइव एट अ कॉमन सॉल्यूशन, सो जो भी प्रॉब्लम है कंट्रीज में चल रही है तो उनके साथ डील कर सकें, और कोई अगर अमेंडमेंट लेके आना है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में तो उसको लाते हैं। फाइन, नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि किस तरह से हम क्या करते हैं जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है अक्रॉस द कंट्री, उसकी प्रोसेस को सेंट्रलाइज कर सकें इन एडिशन टू कन्वेंशन। ठीक है, अभी जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ठीक है, तो उन्होंने बोला किस तरह से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू की जाए। जिनेवा कन्वेंशन क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो क्या करती है, जो इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक, मतलब सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करी है, तो वहाँ पे रोड ट्रैफिक को डेवलप कर सके, सेफ्टी कर सके बाय एस्टेब्लिशिंग सर्टेन यूनिफॉर्म रूल्स अक्रॉस द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। मतलब कि इस कन्वेंशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज ने मेंबर हैं उनके हर एक कंट्री में सेम रूल्स चलेंगे रिलेटेड टू द रोड ट्रैफिक रूल्स। फाइन, इंडिया इसका कन्वेंशन का सिग्नेटरी है और वो भी चाहता है कि IDP को इशू किया जाए अंडर दिस कन्वेंशन, सो दैट हर एक कंट्री में अगर किसी बंदे को इंडिया में DL इशू हो गया तो वो हर कंट्री में वैलिड हो। फाइन, नेक्स्ट है फ्रॉड रजिस्ट्री। RBI क्या कर रही है, काम कर रही है कि इस तरह से फ्रॉड रजिस्ट्री को सेटअप कर सके ताकि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको ब्लैकलिस्ट कर सके और प्रिवेंट कर सके यूज़ ऑफ बैंकिंग सिस्टम टू स्टैश डिजिटली डिफ्रॉड अमाउंट। ठीक है, फ्रॉड रजिस्ट्री मैकेनिज्म के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ फ्रॉड जो कंपनीज होंगे और लोग हैं उनके IP एड्रेस को कलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो क्या कर रहे हैं रेगुलरली ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं, और उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे। पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट क्या करेंगे, उनको असेस प्रोवाइड करेंगे फॉर नियर रियल टाइम फॉर मॉनिटरिंग। इससे क्या होगा, जो परपिट्रेटर्स होते हैं वो अपने ओपन अकाउंट्स नहीं कर पाएंगे मल्टीपल बैंक्स में टू पार्क इल गोटन मनी। फाइन, नेक्स्ट है ड्राफ्ट डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब, दैट इज द देश बिल 2022। अब देश बिल का एम क्या है कि हमें क्या करना है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो भी लेजिस्लेशन है, जो लॉ है, उसको ओवरहॉल करना है। WTO ने रूल किया कि जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम्स हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे जो स्कीम देती है इंडिया अपने लोगों को, वो कहीं ना कहीं WTO के रूल्स के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इंडिया अपने लोगों को टैक्स बेनिफिट दे रही है एक्सपोर्ट पे। ठीक है, तो देश के जो रूल्स होंगे उसके जो उनका जो लीगल लॉज हैं उनका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा वाइडर है, सो दैट वहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट कर सके और जॉब क्रिएट भी कर सके। ये जो हब्स हैं अब उनको विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू बी नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव क्यूमुलेटिव इन 5 years एज मैंडेटेड इन सोशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिजाइन के अंडर जो भी वहाँ पे जिन्होंने अपने अपने हब्स खोले हुए हैं उनको पहले फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव चाहिए होता था पिछले 5 साल का, लेकिन अगर इस रूल्स के अंदर इनको जरूरत नहीं है कि वो उनको पॉजिटिव चाहिए होगा। ठीक है, मतलब उनका नेगेटिव भी चल सकता है। ठीक है, और वो डोमेस्टिक एरिया में इजिली ट्रेड कर सकते हैं। हब्स विल देयरफॉर बी WTO, तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितने भी हब्स हैं अब वो ये रूल्स को फॉलो करेंगे, ना कि इंडिया के रूल्स को फॉलो करेंगे। फाइन, नेक्स्ट है UGC ई समाधान पोर्टल। तो अभी क्या जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो एक UGC ई समाधान लॉन्च कर रही है, जो कि सिंगल विंडो का, जहाँ पे अगर किसी भी बंदे को जो ग्रीवेंसेस है वो सबमिट कर सकता है बाय मर्जिंग द डिफरेंट पोर्टल एंड हेल्पलाइन। ठीक है, इसका एम है कि हमें जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको फास्ट ट्रैक में, तो जल्दी रिजॉल्व करना है और मॉनिटर करना है उन इंस्टीट्यूशंस को जो रिस्पॉन्ड करने में देरी करते हैं। पोर्टल अवेलेबल होगा 24 घंटे और टाइमलाइंस होंगी जब रखी होगी फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवेंस। ठीक है, किसी बंदे ने अगर आज अपनी कंप्लेंट दर्ज करी तो उसको टाइमलाइन मिलेगी कि आपका जो कंप्लेंट है वो 1 महीने में सॉर्ट आउट हो जाएगी या किया, तो टाइमलाइन उसको मिलेगी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। अभी की जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का अटैच ऑफिस है, और ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स में, तो उसका भी उनकी सिल्वर जुबली को अभी सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, NPPA को कॉन्स्टिट्यूट किया था 1997 में, और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो ड्रग्स के प्राइस को रेगुलेट करता है। इसके अंदर क्यों करता है, सो दैट वो ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के प्रोविजन को इंप्लीमेंट कर सके, किस हमारी कंट्री में कितने ड्रग्स की अवेलेबिलिटी उसको मॉनिटर करता है, कहाँ कहाँ शॉर्टेज है वो सब देखता है, और कहाँ शॉर्टेज है तो उनकी किस तरह से उनको एड्रेस कर सकता है वो सब देखता है। इसके अलावा कोई भी ड्रग्स है उसके प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब के डाटा पे मॉनिटर करता है। ठीक है, ताकि शॉर्टेज ना आए। इसके अलावा इस ओकेशन पे कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2, जिसके अंदर ये सिंगल विंडो होगा जिसके अंदर कुछ तरह के सबमिशन किया जाएंगे एज मैंडेटेड अंदर दिस एक्ट। ठीक है, फार्मा सही दाम 2 ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर कुछ और फीचर्स को अपडेट किया जाएगा, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन फैसिलिटी फॉर लॉन्चिंग कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई दवाई मंगवानी है, ठीक है, तो आप
जैसे गूगल वॉइस है ना उस तरह से आप बोल के बता सकते हो। नेक्स्ट है स्नैक बाइट्स इन इंडिया। रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ग्लोबली स्नैक बाइट में से जितनी डेथ होती है उसमें से हाफ जो डेथ होती है वो विनमस स्नैक्स की वजह से होती है जो कि इंडिया में होती है, मतलब जो जहरीला होता है। स्नैक बाइट एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है डेवलपिंग एंड ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, जिसमें जो 95% टोटल स्नैक बाइट्स होते हैं वर्ल्ड में। कहाँ पे? डेवलपिंग और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। इंडिया में नियर अबाउट 300 से ज़्यादा स्पीसीज ऑफ स्नैक की है, जिसमें से 60 जो स्नैक थे वो जहरीले पाए जाते हैं और कुछ वो कम माइल्ड होते हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लान कर रहे हैं कि वो एक नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल स्नैक बाइट को लॉन्च करेगा। इससे पहले ICMR ने भी नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फॉर रिसर्च ऑन स्नैक बाइट इन इंडिया। नेक्स्ट है ज़ोंबी आइज। ज़ोंबी आइज कैसे बनता है? ज़ोंबी आइज फॉर्म मैसिव ग्रीन लाइन आई शेड विल इवेंचुअली रेज ग्लोबल सी लेवल बाय एटलीस्ट 6-10 inches। मतलब क्या है, ग्रीन लैंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है लेकिन अगर वो पिघलती है तो उसकी वजह से क्या होएगा, जो सी लेवल है वो 10 inches तक बढ़ जाएगा। ज़ोंबी या डोम्ड आइस वो आइस होती है जो अभी भी आइस के थिकर एरिया से अभी अटैच्ड है लेकिन वो और नहीं रह सकती बिकॉज जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होंगे, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट ज़ोंबी आइस मेल्टिंग फॉर्म क्लाइमेट चेंज एंड इनविटेबली रेज सी, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट हो रहा है और उससे सी लेवल बढ़ा देगा। कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में आप पढ़ लीजिए। ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ गिब्राल्टर उसको डिक्लेयर कर दिया गया एक सिटी आफ्टर 180 ईयर ऑफ डिले। गिब्राल्टर ब्रिटेन को सीड कर दी गई थी 1713 में अंडर अ पीस ट्रीटी, जिसको साइन किया गया था फॉलिंग वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन के बाद। इसकी बाउंड लोकेशन देते हैं, ये साउथ ऑफ स्पेन में लोकेटेड है और साउदर्न टिप ऑफ इब्रियन पेनिनसुला में। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ऑक्यूपाई करते हैं स्ट्रेट ऑफ ग्रिब्राल्टर को, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। नॉर्थ में इसके बॉर्डर स्पेन का बॉर्डर है, उसके अलावा मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है मोरक्को के साथ। ज्योग्राफिकल फीचर्स के हाईएस्ट पॉइंट रॉक ऑफ गिब्राल्टर है। यहाँ पे कोई मेजर रीव्स या रिवर्स या स्प्रिंग्स नहीं है। क्लाइमेट इसका अच्छा है, मेडिटेरेनियन है विद माइल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आज की दैट इज़ द 30 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।